हेलो गाइस, मेरे पास है रेडमी का सबसे सस्ता 5G फोन, रेडमी 13C 5G। ये फोन देखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है, इसका डिजाइन असम है। ये फोन जैसे अच्छा डिजाइन के साथ आता है, इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स भी मिलता है। आज इस वीडियो में इसका कुछ हिडन फीचर्स एवं टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स है। ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा डायलर की तरफ और यहाँ पर सेटिंग्स के आइकन में टैप करना है। कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको पहला ऑन कर लेना है और यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में ऐप लॉक का फीचर्स मिलता है, आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर कॉल करके आपको आना होगा सीधा एप्स की तरफ और यहाँ पर ऐप लॉक दिखाई देगा। पहला यहाँ पर आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इस फोन में आप यूट्यूब वीडियो को स्क्रीन ऑफ करके बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आना होगा एडिशनल सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर है वीडियो टूल बॉक्स का फीचर्स। तो यहाँ से आप वीडियो टूल बॉक्स को आप ऑन कर लीजिए। मैनेज वीडियो एप्स में आप यहाँ पर यूट्यूब ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है, आपको फेवरेट म्यूजिक वीडियो को आप यहाँ पर प्ले कर लीजिए। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऐसे स्वाइप करना है तो यहाँ पर ढेर सारी फीचर्स खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप प्ले वीडियो साउंड विथ स्क्रीन ऑफ, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। थोड़ा टाइमर शो होगा, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है और इसके बाद आप यहाँ पर सुन सकते हो बैकग्राउंड में म्यूजिक जो है वो प्ले हो रहा है। यहाँ पर आप सुन लीजिए। जब आप स्क्रीन को ऑन करोगे ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। मेरा फोन ऑफ है, मैं तुरंत कैमरा को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए वॉल्यूम का जो डाउन बटन है उसको डबल प्रेस करना होगा और यहाँ से कैमरा जो है तुरंत ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हो और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा सेटिंग्स की तरफ और स्क्रॉल करके आपको आना होगा सीधा एडिशनल सेटिंग्स की तरफ और यहाँ से आपको जेस्चर्स एंड शॉर्टकट पर आना है। लॉन्च कैमरा दिखाई देगा, यहाँ से डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड, इसको आपको ऑन कर लेना है। रेडमी 13C 5G में है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। इस फिंगरप्रिंट सेंसर में एक शॉर्टकट मिलता है, जब इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में मैं डबल टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैलकुलेटर तुरंत खुलकर आ गया है। यहाँ से आप कैलकुलेटर को इजीली ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आना होगा सीधा एडिशनल सेटिंग्स की तरफ। जेस्चर्स एंड शॉर्टकट पर आना है, डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर दिखा देगा। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये फोन 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है लेकिन ये डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिफ्रेश रेट। तो यहाँ से आप कस्टम पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप 90Hz को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप 90Hz में फोन को यूज करोगे स्मूथनेस आपको दो गुना फील होगा। आप चाहते हो जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आए रिंगटोन के साथ साथ आपका फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे, तो इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ, साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है और स्क्रॉल करके आपको वाइब्रेट फॉर कॉल्स की तरफ आना है और इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आएगा रिंगटोन के साथ साथ आपका फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इस फोन में भी डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मीटर मिलता है। ऑन करने के लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और स्क्रॉल करके आपको आना होगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ। स्टेटस बार दिखाई देगा, यहाँ से आपको शो कनेक्शन स्पीड को ऑन कर लेना है और यहाँ पर आप देख लीजिए इंटरनेट स्पीड मीटर ऑन हो चुका है। आप इतने देर से वीडियो देख रहे हो, आपको एक बोनस टिप्स तो मिलना चाहिए। आप देख सकते हो इसकी नॉच के आसपास में एक येलो कलर का लाइट है, ये लाइट हर टाइम ऑन रहता है। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ लाइट ऑफ नहीं होता है, तो इस लाइट को ऑन कर सकते हो अब आपके फोन में। तो इसके लिए आप पहला मेरा डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, एक एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिलेगा जिसका नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन। बहुत ही छोटी एमबी का एप्लीकेशन है, सिंगल क्लिक में डाउनलोड हो जाता है, तो इसको जल्दी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आगे का जो सारा प्रोसेस है मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करोगे इसका होम स्क्रीन सेटिंग्स कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर एक बटन है, इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के साथ साथ राइट साइड में एक सर्किल आ जाएगा, उस सर्किल को इस कंट्रोलर के जरिए वाटर ड्रॉप नॉच के आसपास में लेकर आना होगा और ऊपर की तरफ जो बार है उसको अप एंड डाउन करके नॉच के आसपास में आप अच्छी तरीके से फिट कर सकते हो। ऐसे भी आप मेरा सारा सेटिंग देख सकते हो और इसको वाटर ड्रॉप नॉच के आसपास में अच्छी तरीके से फिट कर लेना। इसके बाद आपको कलर को चूज करना है, यहाँ से आप सिंगल कलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपका फेवरेट कलर को चूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर रहता है, तो यहाँ से मैं येलो कलर को चूज करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ।
आउटर रिंग कलर में भी मुझे सेम कलर रखना है, तो यहाँ पर भी मैं प्रीसेट कलर में येलो कलर को चूज करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये लाइट हार्ड टाइम ऑन रहेगा, जितना मर्जी आप एप्लीकेशन को ओपन करो लाइट ऑफ नहीं होता है। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन से रिंग रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जब आपका फोन लॉक रहता है, अब डिस्प्ले का लाइट को वाइक ऑफ करने के लिए पावर बटन को प्रेस करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन का लाइट तुरंत वाइक ऑफ हो जाता है। तो इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डबल टैप टू वेक ऑफ और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको आपको ऑन कर लेना है। Redmi 13C 5G का डिस्प्ले का साइज बड़ा है, इसलिए तो इसमें वन हैंड मोड का फीचर्स डाल दिया है। वन हैंड मोड में फोन को यूज करने के लिए होम बटन से बैक बटन की तरफ ऐसे स्वाइप करना है, ये फोन वन हैंड मोड में ओपन हो जाएगा। फुल स्क्रीन करने के लिए आपको ब्लैंक पेज में ऐसे स्वाइप अप करना है, फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। तो इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और स्क्रॉल करके आपको आना है सीधा एडिशनल सेटिंग्स की तरफ। वन हैंड मोड दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। जब मेरा फोन लॉक रहता है और मुझे तुरंत फ्लैश लाइट ओपन करना होता है, तो मैं पावर बटन को डबल प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर फ्लैश लाइट तुरंत ओपन हो जाता है। इस शॉर्टकट को ऑन करने के लिए मुझे आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर आना है, जस्ट सेंस शॉर्टकट पर आना है, और यहाँ पर तो है टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो यहाँ से आप डबल प्रेस द पावर बटन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। Redmi 13C 5G में स्क्रीनशॉट लेने के लिए दो तरीका है। पहला जो तरीका है, आप वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को सेम टाइम में प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और दूसरा और सबसे आसान जो तरीका है, आप थ्री फिंगर को ऐसे स्वाइप डाउन करिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ये दोनों फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स में आना है, जेस्चर्स एंड शॉर्टकट पर दिखाई देगा टेक ए स्क्रीनशॉट, तो ये दोनों ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए। जब आप Redmi 13C 5G को स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन होता है, पावर मेनू नहीं आता है, आप फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। तो पावर मेनू को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर जेस्चर्स एंड शॉर्टकट पर देखा देखा लॉन्च गूगल असिस्टेंट, तो इस ऑप्शन को आप ऑफ कर दीजिए। इसके बाद जब आप पावर मेनू को प्रेस एंड होल्ड करके रहोगे, तो फिर पावर मेनू खुलकर आ जाएगा और आप फोन को इजीली स्विच ऑफ कर सकते हो। Redmi 13C 5G में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर्स है, आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेमोरी एक्सटेंशन, तो यहाँ से आप अप टू 4GB रैम को बढ़ा सकते हो। मेरे पास 4GB रैम 128GB स्टोरेज है, मैं चाहता हूँ तो और 4GB रैम को बढ़ा सकता हूँ, मेरा टोटल 8GB रैम होगा। यहाँ पर जो बैटरी इंडिकेटर शो हो रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर आना है, स्टेटस बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इस फोन में डिफॉल्ट रीडिंग मोड का फीचर्स मिलता है, आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर रीडिंग मोड दिखाई देगा। रीडिंग मोड को आप शेड्यूल करके भी यूज कर सकते हो, इसको आप क्लासिक मोड में या पेपर मोड में भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप रात में इंटरनेट पर ब्लॉग वगैरह पढ़ते हो, तो इस मोड को ऑन करके जरूर यूज करना, आपके आंखों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस फोन में डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिलता है, आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, एडिशनल सेटिंग्स में आना है और स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाई देगा। यहाँ से आप सारा सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि रेजुलेशन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वीडियो का क्वालिटी को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसी के साथ साउंड का सोर्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना बहुत ही आसान है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर इसका शॉर्टकट दिखाई देगा, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर शॉर्टकट खुलकर आ जाएगा और यहाँ से आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हो, तो आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर आना है, ऐप नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जो जो ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल है यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप डिसेबल कर सकते हो सिंगल क्लिक में। इस फोन को मैं क्लासिक मोड में यूज कर रहा हूँ, अगर आप ड्वायर मोड में यूज करना चाहते हो तो आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर आपको आना है सीधा होम स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर होम स्क्रीन दिखाई देगा क्लासिक मोड। आप विद ऐप ड्वायर मोड पर भी यूज कर सकते हो, आप चाहते हो तो यहाँ पर लाइट मोड में भी यूज कर सकते हो। आप बहुत देर से नोटिस कर रहे हो, इस फोन को मैं नेविगेशन बटन पर यूज कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहते हो तो जेस्चर्स पर यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स की तरफ और स्क्रॉल करके आपको आना होगा सीधा होम स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिस्टम नेविगेशन, तो यहाँ से आप जेस्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्त, ये तो था कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो Redmi 13C 5G में देखने को मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सके तो ये वीडियो आपके दोस्त के साथ शेयर कर देना, उसका और हमारा दोनों का मदद होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।